एमएलए गणेश नाइक की एनएमएमसी आयुक्त से मांग, कोरोना लहर लौटने से पहले पूरे हों इंतजाम। अरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी साप्ताहिक मुलाकात में कोरोना उपचार इंतजामों पर एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि देश भर में कोरोना की लहर लौट रही है, इसलिए नवम्बर में पहले से ही इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने आयुक्त अभिजीत बांगर को जरूरी उपचार इंतजाम करने का सुझाव दिया। वासी अस्पताल में सामान्य रोगियों को समुचित उपचार सुनिश्चित कराने और दीघा में पानी सप्लाई जैसे कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने जान का जोखिम लेकर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही आशा वर्कर्स को भी 19,000 दिवाली बोनस दिए जाने की वकालत की। जनरल सगळ्यांना 25,000 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आलं। काही तात्पुरत्या स्वरूपातल्या कराराच्या कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे कर्मचाऱ्यांना 19,000 रुपये देण्यात आले, परंतु आशा वर्करना फक्त 9,000 देण्यात आले होते। आम्ही सांगितलं की आशा वर्करनी या कोरोनाच्या कालखंडामध्ये अतिशय जीवाची पर्वा न करता त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे, म्हणून त्यांना सुद्धा 19,000 रुपयेच देण्यात यावे अशा प्रकारचे आम्ही त्यांना सूचना केली आणि ती त्यांनी मान्य केली। बीजेपी विधायक गणेश नाईक से जब सवाल पूछा गया की आखिर वे कब तक मनपा आयुक्त से मिलते रहेंगे, उन्होंने जवाब दिया, जब तक मनपा चुनाव की आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक वे नवम्बरी करों को सेवा सुविधाएं दिलाने के लिए मनपा प्रशासन को जगाते रहेंगे। पूर्व पालक मंत्री ने कहा कि हमने नवम्बरी का पालकत्व तो संभाला है और जनता की सेवा का संकल्प लिया है, उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उनके साथ जिलाध्यक्ष रामचंद खरत, पूर्व सांसद संजीव नाईक, पूर्व विधायक संदीप नाईक, पूर्व मेयर जयंत सुतार एवं वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। महानगरपालिकेच्या निवडणुकाची आचारसंहिता लागेल, महापालिका निवडणुका होतील, निवडणुका झाल्यानंतर त्याविषयी एकूण शहराचा एकूण अभ्यास करताना ट्रॅफिकची यंत्रणा, पोलिसांची, महानगरपालिकेची यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी याच्यावर साधक बाधक चर्चा करून, म्हणजे वाशीतून निघणारा जो कोपरखैरण्याचा रस्ता, ठाणे बेलापूर रोड, एमआडी शिला रोड आणि प्रस्तावित माझ्या मनामध्ये असलेला वाशी पुलापासून वाशीत उतरणारा, वाशीतून कोपरखैरण्यात जाणारा, वाशीतून कोपर ऐरोली घनसोली, घनसोली ते ऐरोली अशा प्रकारची अप अँड डाऊन डबल डेकरचे ब्रिजेस करण्याची जी काही भूमिका आहे ती वेल डिझाईन करून नंतर आपण सगळ्यांच्या समोर सादर करू। त्याला एकूण शेवटी पर्यावरण विभागाचं, एमएमआरडीचं सगळ्यांचं अप्रुव्हल मिळेल आणि निश्चितपणे नवंबरच्या जनतेचा प्रवास हा विना सिग्नल जास्तीत जास्त पद्धतीने होईल याच्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू। स्पेशल डेस्क टीव्ही1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।